हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधुरी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे मिर्ची का पकोड़े। सुबह खाया था स्वीट कॉर्न और मिर्ची का पकोड़े बनाने के लिए आलू बॉईल कर दिया है। मिर्ची को अच्छे से काट के बीज सारा निकाल लिया है और उसका आलू का मसाला रेडी करेंगे। थोड़ा फोड़नी देंगे, हल्दी मिर्च मसाला को भी उसी तेल में फ्राई कर देंगे। गैस बंद करके, नहीं तो ये जल जाएगा। फटाक से निकालना है और आलू के ऊपर डाल देना है। उसको फटाफट चलाना है और बाकी सब आलू के साथ मिक्स कर देना है। मसाला हमारा रेडी हो गया। अभी बनाएंगे घोल। घोल में डालना है बेसन और अरारूट, मतलब 2 चम्मच बेसन है तो 1 चम्मच अरारूट ऐसे डालना है और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा मीठी सोडा। इसको डाल के अच्छे से मिलाना है। आपको इसमें मसाला डालने तो डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। मैं साहिल के लिए बना रही हूँ तो बिना मसाले का ही बना रही हूँ। उसको बेसन वाला ही, प्लेन वाला ही चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर मिर्ची में अच्छे से सारे मिर्ची में मसाला भर के आलू मसाला रख देंगे टाइट से। फिर उसको एक एक करके डिप करके फ्राई करेंगे। ऐसे ही सारे के सारे मिर्च अखा भी रख सकते हो, पीस पीस भी कर सकते हो दो लाइन। इसको तो ज़्यादातर ट्रेन में ये वाला पकौड़े मिलता है, बहुत ही टेस्ट लगता है। और वो लोग क्या करते हैं, एक मिर्ची का 2 पकौड़े बनाते हैं और 20 रुपये का 3 प्लेट बेचते हैं। तो घर पे बनाइए, बहुत ही सस्ते में भी बन जाता है और टेस्टी भी है, अच्छा भी है। तो ऐसे ही बना दे, शाम का स्नैक्स भी हो जाएगा, सुबह का हो जाएगा, बच्चे लोग का टिफिन का हो जाएगा। तो ये तो मैं साहिल का टिफिन के लिए अभी रेडी कर दी हूँ। अभी इसमें मसालेदार भी बनाएंगे हमारे लिए और अखा मिर्च बनाएंगे। साहिल का टिफिन के लिए इसको मैं काट के रख दी हूँ टिफिन में और मुंडी इसका निकाल दिया, केचप के साथ उसको टिफिन में दे दिया। बाकी का दिन नहीं लेता ये वाला टिफिन, सिर्फ सैटरडे को कुछ ले सकते हैं ऐसा चटपटा। बाकी का दिन दाल चावल रोटी भाजी यही लेता है। जो बचा हुआ आलू है उसको भी हम बना देंगे। इसका क्या करें, रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा, तो इसको ही बना देंगे। कच्चा ही मसाला बड़ो डाला, इसका फोड़नी नहीं लगाए, ऐसे ही 2-4 बनेगा। आलू का राउंड राउंड बॉल शेप कर दे और उसको चपटा करके फिर बेसन में घोल के फ्राई कर देंगे। बन जाएगा हमारा आलू का बड़ा। फिर मिर्च भी हमारा रेडी हो गया, आलू बड़ा भी रेडी हो गया। ये बना देंगे, बन गया। अभी सुबह का नाश्ता तो कर लिया है, फिर भी थोड़ा खा लेंगे, फिर दोपहर को खाने के लिए तैयारी करेंगे। दोपहर का खाने के लिए क्या है, एक अखा बैंगन रहता है ना काला वाला, जो भरता वाला बनाने के लिए आता है वो वाला, ये 600 ग्राम का एक बैंगन है। और इसको अच्छे से पतला पतला गोल गोल काट के नमक पानी में डिप करके रख ले। फिर इसको वैसे ही बेसन का घोल बना के आप इसको तवा में फ्राई कर सकते हो और डीप फ्राई भी कर सकते हो। सिर्फ मसाला अदरक लहसुन पेस्ट ये सब डाल के भी कर सकते हो, लेकिन मैं बेसन वाला बनाई हूँ। बेसन और इसको बैंगन ही बोलते हैं हम लोग उड़िया में। तो अच्छे से इसको मिलाना है, फिर एक एक करके डिप करना है। इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है तो उसके हिसाब से आप कितना तेल डालते हैं उसके हिसाब से फ्राई करते हैं। एक साथ 2-3 डाल देंगे तो नहीं होगा, इसके लिए कम तेल में ली हूँ, ज़्यादा वेस्टेज ना हो करके। और एक एक करके फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और खाने में बनाए चावल और लौकी डाल के मैं दालमा बनाई हूँ। प्लेन दाल तो रोज़ खाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे ही पपाया लौकी कुछ डाल के बनाएंगे ना, बच्चे लोग जो नहीं खाते उन लोग के लिए अच्छा है। बाकी को तो हम लोग भाजी वेजिटेबल खाते हैं, बच्चे लोग नहीं खाते ना, दाल के साथ उसको खिला सकते। शाम का नाश्ता में बनाया कुरमुरा, फिर बनाए जलेबी, लाए जलेबी भी नाश्ता में खा ले। फिर बनाएंगे रात का खाने के लिए। रात का खाने के लिए स्मॉल नागपुर बैंगन ही ली हूँ। सारे वेजिटेबल मेरा कंट्री डिलाइट से आया है, एकदम क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और नेचुरल केमिकल फ्री है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो सारे बैंगन को ऐसे ही 4 भाग में डिवाइड करके अच्छे से साफ करके नमक पानी में डाल दिया, उसको ऐसे ही रख देंगे। बाकी का मसाला हम रेडी करेंगे। मसाले में कांदा, टमाटर, मिर्च, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और सूखा मसाला, मसाला का पाउडर और अखा मसाला सब रेडी कर दिए। सारे को अच्छे से सूखा सूखा पीसेंगे। अब इतना ही मेरे पास मसाला, सूखा मसाला है तो थोड़ा सा डालें। आपके इसका धनिया पाउडर, जीरा पाउडर थे
वो भी डाल सकते हैं इसका। और एक नहीं, कितने वैरायटी, कितने रेसिपी है, आप अलग अलग भी बनाते बना सकते। ये महाराष्ट्रियन स्टाइल है तो मैं आज ऐसे बना के दिखा रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। बादाम बाद में डालेंगे, सारे मसाले को पीस लिया, ऐसे ही सूखा सूखा पीसना है, इसमें पानी नहीं देना है। चम्मच घुमा के अच्छे से थोड़ा 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 करके इसको पीसना है अच्छे से। ये हमारा मसाला भी पीस के हो गया, इसमें डालेंगे ये महाराष्ट्रियन घाटी मसाला, मराठी मसाला बोलते। ये मसाले में हम लोग सब डालते, प्याज लहसुन जीरा धनिया बड़ी सब नमक मिर्च हल्दी सब डाला हुआ है। इसका बड़ी दो चम्मच मिलाएंगे और घर का गरम मसाला हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार वो भी सब मिलाएंगे। और पुदीना में मेरे पास पत्ता नहीं था तो पुदीना का चटनी था वो डाल दिया। इसके साथ अच्छे से पीस लेंगे और ऐसे ही सूखा पीसना है, इसको पानी नहीं करना है। पानी कर देंगे तो बाद में बैंगन में नहीं होगा भरने के लिए, तो ऐसे ही बनाना है। फिर सारे बैंगन के अंदर इसको अच्छे से भर लेंगे, जितना भरेगा उतना ही भरना है, बाकी का आप रख सकते हैं बाद में कुछ दूसरा काम में इस्तेमाल कर सकते। मैं तो दूसरा दिन मिर्ची में भरा था फिर। और ऐसे ही थोड़ा खाने का ऑयल या सरसों का तेल डाल के कड़ी पत्ता फूलने लगा के उसमें सारे बैंगन को छोड़ देंगे। थोड़ा ज़्यादा ही तेल डाले, बार बार तेल डाले तो नहीं होगा, इसको पलटी करके फ्राई करने के लिए अच्छे से जितने तेल लगेगा उतने ही डालना है। बस ढक्कन लगा देना है, इसको पलटी करने का टाइम हल्के से पलटी करिए, नहीं तो सारा मसाला निकल जाएगा। वैसे भी थोड़ा बहुत निकलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से पलटी करें ताकि दोनों साइड पक जाए, मुंडे की तरफ भी पक जाए अच्छे से। ये हमारा रेडी हो गया मसाला बैंगन, रोटी के साथ परोस ले।